भोजपुर बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह महागठबंधन पर क्या बोले, आइए सुनते हैं। मोदी भगाओ अभियान की तरह बैठक क्या चाहिए? देखिए, यह जो बैठक आयोजित की गई है इसको हम कोई गठबंधन का रूप तो नहीं देंगे, ठग बंधन का रूप जरूर देंगे, क्योंकि इसमें अजीब अजीब विचारधारा के लोग हैं। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश जी कहते हैं कि हमको कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं है, ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं है, ममता जी कहती हैं कि हमको कम्युनिस्ट पार्टी मंजूर नहीं है। तो भैया, जब एक दूसरे का साथ ही मंजूर नहीं है तो यह कैसा गठबंधन? यह लोगों को मात्र बेवकूफ बनाने का एक प्रयास है, ये कभी भी संभव नहीं है। यह जो कवायद की जा रही है ये कभी भी संभव नहीं है और न ये संभव होगा। अखिलेश यादव, हाँ नहीं नहीं, देखिए ना, उसमें कई लोग, अब जैसे आप पार्टी वाले हैं वो कहते हैं कि पहले हमारा जो ये हुआ है अध्यादेश निकला है उस पर विचार किया जाए। तो आप लोग चले हैं प्रधानमंत्री को हटाने और अपना अलग अलग विषय लेकर के आपस में जो प्रतिद्वंदिता है उसको सामने रख करके इस तरह कोई एथी गठबंधन होता है क्या? इस तरह कोई एकता होती है क्या? ये सब सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, ये कदाप संभव नहीं है। और यह देश, समूचे विश्व में आज इसकी प्रतिष्ठा जो बढ़ी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसको हमारा देश भी महसूस कर रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा किस किस रूप में बढ़ाई जा रही है। आप एक जोक का ही उदाहरण ले लें, आज कम से कम 150-200 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे न बोली चाली के हैं, न हमारी सभ्यता के हैं, न हमारे जैसे हैं, लेकिन जोक के महत्व को उन्होंने समझा, क्योंकि भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग के महत्व को विश्व को समझाया। और आजकल देखिए संयुक्त राष्ट्र में यह कार्यक्रम हुआ। इसी तरीके से भारत को हम शीर्ष पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक शक्तिशाली देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको हमारे प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, लोगों के विकास का क्षेत्र हो, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पर ध्यान देती है हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व। इसलिए ये सब बेकार है। क्या लगता है कि गठबंधन से क्या नीतीश कुमार कुछ फायदा होने वाला है? अरे मैंने तो आपको बता दिया, दे आर फिनिश्ड। जब आपस में ही कोई एकता नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं, तो ये कैसा गठबंधन हो रहा है? ये सिर्फ एक औपचारिकता कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ स्थिति ये है कि उनकी स्थिति कुछ दिनों में ऐसी होती जा रही है जैसा हमको लगता है कि न घर के न घाट के। अब एक कमिटमेंट है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, भैया मुख्यमंत्री तो मान लो वो बन जाएंगे तो ये क्या रह जाएंगे, ये क्या रह जाएंगे? लेकिन एक बात है, सत्ता के बिना रहना भी बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि भूषण सिंह की विशेष रिपोर्ट।